किसान भाइयों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार मेरे YouTube चैनल किसान संगवारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, अभी जो प्रोडक्ट की जानकारी के सिलसिला जो चल रहा है, उस सिलसिला में हम आगे बढ़ते हुए हमने आज एक और प्रोडक्ट लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है अंबरधारा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये अंबरधारा है और इसकी टोटल जानकारी बताते हैं। ये दिख रहा है अंबरधारा, हम इसके बारे में आज पूरा बात करेंगे कि ये कौन सा फार्मूला, कौन से कंपनी का है। तो किसान भाइयों, अंबरधारा जो है ये है स्वास्तिक पेस्टिसाइड लिमिटेड करके कंपनी है, इसकी कंपनी का नाम है, इसका ब्रांड नेम है अंबरधारा स्वास्तिक पेस्टिसाइड है। इसकी फार्मूला के बारे में बात करते हैं। ये इसमें जो टेक्निकल डाला हुआ है, कार्बेंडाजिम 12% और मेनकोजेब 63%, ये फार्मूला में है। WP मतलब पाउडर फॉर्म में डाला हुआ है। किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, इसका जो इस्तेमाल करते हैं सब्जी में, धान में, गेहूं में, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब ये कौन कौन से रोग में कंट्रोल करेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये ज़्यादातर जो ब्लास्ट की रोग होता है, जो धान में ब्लास्ट होता है, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या तो दाने जो है सफ़ेद होता है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली ये ब्लास्ट की दवाई है। किसान भाइयों, इसका जो मात्रा है, इसका आपको मात्रा डालना है, ये 330 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 330 ग्राम आपको स्प्रेयर में डालना है और आपको 500 ग्राम डालना है, तो ये यूरिया के साथ भी ये डल सकता है। तो किसान भाइयों, ये अंबरधारा जो है अगर आप डालना चाहते हैं, तो ये आपके पूरा जानकारी दिए हैं। इसके बारे में, लाभ के बारे में बात करें तो ये ज़्यादातर बीमारी को कंट्रोल करता है। ये सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से काम करता है, तुरंत भी काम करता है और सिस्टम से भी काम करता है। और इसमें सावधानी के बारे में भी बात करते हैं, तो किसान भाई इसमें सावधानी जो है, ये हैवी जहर नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी करना पड़ता है और इसको बच्चे के पहुँच से दूर रखना पड़ता है। और जितना आपको ज़रूरत है उतना ही दवाई लेकर घर में, जितना ज़रूरत है उतना दवाई आपको अपने खेत में लेकर डालना है। एक्स्ट्रा आपको दवाई नहीं लेके जाना है, ताकि उसमें घर में रखे, ऐसा नहीं सोचना है कि ज़्यादा ले जाए और डाले, जितना ज़रूरत उतना आपको ये सारी चीज़ डालना है।